नमस्कार, द एचडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, अब बिहार में गोपालगंज का कांड जो है वो अब तेजी से सियासी गलियारे में बढ़ता जा रहा है। इससे पहले गोपालगंज जाने की यात्रा पर तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ निकले थे, लेकिन नीतीश सरकार ने उन्हें अपने घर पर ही बंद कर दिया था और वो जाने से रुक गए थे। ठीक उसके बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार के पूरे कार्यशैली पर तेजस्वी यादव अब लगातार सियासी हमला कर रहे हैं। कल भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला किया और भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए 9 जून को होने वाले भाजपा के वर्चुअल रैली पर सवाल उठाया था। आज फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोपालगंज कांड पर फिर से बड़ा सवाल उठाया है। क्या कुछ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये हम आपको सुनाते हैं। आप लोगों को जो है 3 वीडियो जो है दिखाया गया। पहला जो वीडियो जो दिखाया गया है उसमें गोपालगंज के व्यवसायी श्री रामाश्रय सिंह खुशवाहा, जो वहाँ के कारोबारी थे, उनके भाई का वीडियो है। आपको पता है कि 1 साल पहले इसका मर्डर हुआ था, लेकिन अभी तक जो है, जैसा कि उनके भाई ने वीडियो के माध्यम से बताया, कि कोई कार्रवाई नहीं की। और इस वीडियो में रामाश्रय कुशवाहा के भाई ने अपनी व्यथा जो है आप लोगों को सुनाने का काम किया। दूसरा जो वीडियो जो हमने दिखाया वो है, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, गोपालगंज जिले के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम है शिव कुमार उपाध्याय। शिव कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि जेडीयू के विधायक जो पप्पू पांडे हैं उन्हें गोलियों से छलनी करने की धमकी दी थी। और तीसरा जो वीडियो है वो है अनिल तिवारी जी का। अनिल तिवारी जी की हत्या हुई। हम जानना चाहते हैं अनिल तिवारी जी जो है, जिसका जिक्र हम लोगों ने गवर्नर साहब से में मिल करके सीबीआई जांच का जो है मांग की थी। तो ये तीनों जो वीडियो है ये सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है, साक्ष्य है, आप कह सकते हैं नाम दर्ज हैं, और ये खुलकर के कह रहे हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं। इसी के अगर साथ साथ अगर हम लोग आएंगे तो उसमें कृष्णा शाही जी की भी जो हत्या हुई थी, हालांकि वो वीडियो हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि काफ़ी वायरल हो गया, आप लोगों के भी पास होगा। लेकिन आप देखिएगा, धमकी देना, रंगदारी वसूल करना, और एक ही ट्रेंड से, एक ही तरीके से जो है अपराध किया जाता है। पहले धमकी दी जाती है और फिर बाद में बाइक सवार जो है आते हैं और गोलियों से भूनने का काम करते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन जो है पता नहीं कहां मरा पड़ा है। मतलब कि साफ साफ जो है अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अलग अलग साल के जो है FIRs है, नाम दर्ज है, साक्ष्य है, सब चीजें हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं होती। अब आप देखिएगा, जो अनिल तिवारी हैं उनके प्राइवेट में उनको गोली लगी नहीं थी, जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उनको गोली लगी, पीछे आवाज जिनका चल रहा है वो सुनने की जरूरत है। अगर ऑडियोज का पता चल जाए, सैंपलिंग टेस्ट हो जाए, तो जो आरोपी जो है खुद ब खुद जो है गिरफ्तार हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं अनिल तिवारी को अस्पताल लेकर के कौन गया, और उनको गोली लगी नहीं बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट पे गोली मारा गया। अगर सैंपलिंग टेस्ट हो जाएगा इस वीडियो के ऑडियो का, तो आरोपी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। कृष्णा शाही जी जो है वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे पास एक रिपोर्ट है उनके हत्याकांड को लेते हुए। ये रिपोर्ट जो है स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ का है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 20 मार्च 2018, दिनांक 20 मार्च 2018, ये STF उत्तर प्रदेश को गोपालगंज, बिहार के सक्रिय माफिया सतीश पांडे गैंग की दुर्दांत शूटर पप्पू श्रीवास्तव को लखनऊ से
गिरफ्तार करने के उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। ये उत्तर प्रदेश का जो एसटीएफ है, ये उसका रिपोर्ट है, जो सतीश पांडे, जो कि अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के बड़े भाई हैं, उनका शूटर है पप्पू श्रीवास्तव, उसको गिरफ्तार किया गया था। उसको गिरफ्तार करने में जो पप्पू श्रीवास्तव ने जो बयान दिया उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को, वो ये वर्ष 2014 में एक बार फिर सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे वर्तमान विधायक और अजय मिश्रा के साथ उसके AK-47 से गोपालगंज में प्रतिष्ठित राजनीतिक कृष्णा शाही पर हमला किया था, जिसमें वो बच गए थे। आप देखिएगा, ये साफ जो है, ये मेरा आरोप नहीं है। अब आप बताइए, जो विधायक है उसके पास AK-47 मिल रहा है, और ये मेरा, आप लोग सब लोग देख सकते हैं इसको, ये मेरा कोई रिपोर्ट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के एसटीएफ का है। साफ तौर पे इसमें जो उनका शूटर है पप्पू पांडे, जो नीतीश जी का चहेता विधायक है, उसका शूटर जो है वो गिरफ्तार होता है, और उसने अपने बयान में जो दर्ज किया है ये बातें, तो इसमें साफ साफ है। मेरा सवाल ये है पूछने का कि व्यवसायी रामाश्रय सिंह खुशवाहा हो, शिव कुमार उपाध्याय हो, ये बीजेपी के लोग डबल इंजन की सरकार है। आप देखिएगा कि पूरी तरीके से जो है बीजेपी के लोग अपने ही नेता को न्याय नहीं दिला पा रहे, तो ये जनता को क्या न्याय दिलाएंगे? ये जब अपने पार्टी के जो करता है, जिसके लिए मरता है, अगर उस पार्टी का नेता का हत्या हो जाता तो उसको ही न्याय नहीं दिला रहे। सुशील मोदी जी तो घूमते रहते थे, क्या इनसे मिले, क्या बात हुई, कोई बात बताए इस पे? क्यों बीजेपी के लोगों ने चुप्पी साध रखी है ये बताना चाहिए। एक आध उदाहरण नहीं, आप देखिएगा हतुआ प्रखंड में व्यवसायी अनिल शाह की हत्या हुई, आप देखिएगा राजकुमार शर्मा जो गिट्टी के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनकी हत्या हुई, उपेंद्र सिंह खुशवाहा जिनकी पत्नी वहां पंचायत में वर्तमान में मुखिया है, उनकी हत्या हुई, जेपी चौधरी, शंभू मिश्रा, मुन्ना तिवारी, अनिल तिवारी, इतनी हत्या हुई है, और बल्कि सरकारी पदाधिकारी अख्तर की पत्नी ने भी जो है, जो पप्पू पांडे ने जो धमकाने का काम किया था, नाम दर्ज FIR। आप देखिएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो निदेशक हैं अखिलेश कुमार जायसवाल, उनसे जो है रंगदारी वसूलने का काम किया गया। तो ये हम तो नहीं कह रहे, लोग कहते हैं हम राजनीति करते हैं, बात नहीं उठा रहे, तो इसमें इतनी कुछ चीजें आई हैं, बयान सामने हैं। आखिर अब तक कितने मामले सामने आए, आखिर पप्पू पांडे गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा? मेरा साफ साफ, इसीलिए हम सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है ऐसे लोगों को जो है संरक्षण दे रही है। और मेरे कुछ सवाल है नीतीश कुमार जी से, SIT गठित किया गया है, SIT गठित किया गया है, लेकिन क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसकी गिरफ्तारी का? कब तक गिरफ्तार होगा पप्पू पांडे? आखिर मुख्यमंत्री जी कौन सा शुभ मुहूर्त देख रहे हैं? और आज तक जितने भी आरोपी हुए, पुलिस ने कभी भी गिरफ्तार नहीं किया, चाहे कोई भी मामला हो, बालिका गृह का मामला हो या सृजन घोटाले का मामला हो, सब लोगों को कागज जो है उसका लीपापोती करा करके, सबूत को नष्ट कर करके, उसको जो है पूरी तरीके से फिर बाद में सरेंडर करा दिया जाता है। तो मेरा सवाल है कि अपराधी बेलगाम है, और ये सरकार जो है लगातार विधायक को बचाने का काम कर रही है, आखिर कोई टाइम फ्रेम तो होगा? या ये मामला भी, और जैसे मामले जैसे दबा दिए गए, इस मामले को भी दबा दिया जाएगा? नेम्ड FIR है, साक्ष है, आई विटनेस है, सब कोई बोल रहा है, लेकिन आखिर कौन सा प्रेम है, कौन सा प्रेम है नीतीश कुमार जी को कि बचाने का काम कर रहे हैं? और बीजेपी की क्या मजबूरी है कि उनके नेताओं को मार दिया जा रहा है, धमका दिया जा रहा है, तो वो चुप्पी साधे हुए? और देखिए अभी तक आदरणीय
पुलिस की जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिसके पास जो हेड है, जो कमांडर है, जो डीजीपी है, अब तक पूरे मामले में एक बयान भी नहीं किया दिया गया है। अभी भी डीजीपी महोदय जो है पूरी तरीके से जो है चुप्पी साधने का काम किया है, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिहार में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे। आखिर क्या मजबूरी है, क्यों पूरा पुलिस महकमा चुप है इस मामले में, क्यों मामले को दबाया जा रहा है? आप देखिएगा, हमारी मांग है कि विधायक जो है पप्पू पांडे, जो आदतन अपराधी है, उसके 3 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए, और कोशिश ये भी की जाए कि व्हाट्सएप कॉल का डिटेल भी निकाला जाए। पता चल जाएगा किन किन लोगों से, किन किन बड़े बड़े अधिकारियों से वो बात करता था, किन किन लोगों को जो है वो मदद के लिए फोन करता था, कौन कौन लोग जो है उनको बचाने का काम करते थे। ये कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्ड, और कोशिश की जाए, क्योंकि आजकल अपराधी इतने शातिर हो गए हैं कि व्हाट्सएप का भी बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको ट्रेस ना कर किया जा सके। तो कोशिश की जाए कि उसका भी जो है कॉल डिटेलिंग निकाला जाए। और हम पूछना चाहते हैं कि आईजी रहते हुए किस अधिकारी ने, आईजी रहते हुए किस अधिकारी ने पप्पू पांडे को बचाने का काम किया शुरुआती दौर से? उसके मामले को किसने जो है ठंडा किया ताकि वो बिहार में और अपराध करता रहे? गोपालगंज की स्थिति हम लोगों के सामने है। अगर वो अरेस्ट नहीं होता है तो हम लोग जो है इसके लिए केवल एक मामले को लेकर, हम लोगों का संकल्प है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना है, हम लोगों का संकल्प है कि गोपालगंज को अपराध मुक्त बनाना है। लेकिन अपराधी जो विधायक है, सत्ता ही जब प्रोटेक्ट कर रही है अपराधियों को, तो क्या हम लोग आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए ये सवाल जायज है कि मुख्यमंत्री टाइम फ्रेम बताएं, कॉल रिकॉर्ड निकलवाएं, डीजीपी जो है अपना स्टेटमेंट दे, चुप्पी तोड़े, और मुख्यमंत्री जी ने कि अब तक इतने मामले हो गए, अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, अगर अरेस्ट नहीं हुआ है, तो कौन से अधिकारी पे आज तक सरकार ने कार्रवाई की है? अगर जो अधिकारी अगर संरक्षण दे रहा है तो कौन, क्यों नहीं सरकार ने किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई की, चाहे पुलिस महकमा का हो या कोई भी संरक्षण दे रहा? कि क्राइम करने वाला अपराधी होता है, लेकिन क्राइम करने वाले को बचाने वाला भी अपराधी होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बिहार में पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है, यहाँ राक्षस राज आ गया है, और यहाँ सुशासन के लोग जो है संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो अपराधियों को बचाने वाला भी अपराधी, इसलिए आप देखिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इतने मामले हैं, इसमें तो एसटीएफ ने साफ साफ कह दिया, नाम है, शूटर आते हैं उनके, AK-47 रहते हैं उनके पास, पैसे दिए जाते हैं, ये सारा मामला है, तो क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? कब तक गिरफ्तारी होगी? क्या शुभ मुहूर्त देखा जा रहा है ताकि वो सारे सबूतों को मिटा दे, हर एक चीज उसका ग्राउंड बना दिया जाए, तब ले जाकर के सरेंडर करा दिया जाए? आखिर ये जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको कब तक न्याय मिलेगा? अगर हम जाते हैं पीड़ितों से मिलने, उनकी आवाज उठाने, तो हम लोगों पर जो है FIR होता है, ठीक है, आप हम पे FIR कीजिए, पूरा पुलिस बल जो है हमको रोकने के लिए लगा दीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? DGP साहब क्यों चुप हैं? उप मुख्यमंत्री कहां गायब है? इतनी हत्याएं हो गई, बीजेपी के लोग मर रहे हैं, RJD के लोग मर रहे हैं, गरीब मर रहा है, व्यवसायी मर रहा है, बिहार में पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है, और ये सरकार के लोग जो चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है इस चीजों को लेकर के मामले को उठाने का काम कीजिए, और पीड़ित परिवार जो है उसको न्याय दिलाए। अगर इससे रिलेटेड और कोई आप लोगों के पास सवाल है तो उसको हम लोग लेने का काम करेंगे। आप तो भागे तो जा रहे हैं।
आप ये सवाल जाना नहीं जाना, हम तो चाहेंगे अनुमति दी दी जाए, लेकिन हमको तो आप तो लेकिन हमको विशेष मामले में जाने से रोका गया है ना। बात को समझिए, आप ये पूछे ना कि डीजीपी कब जाएंगे गोपालगंज और अपराधी को कब घसीट के लेके आएंगे, मुख्यमंत्री कब निकलेंगे बाहर, कहां कौन से बिल में घुसे हुए हैं, जब लोग मर जाएंगे तब बाहर निकलेंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और एक ही बार बार बात किया जाता है कि अपराधियों को ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, एक ही बात दोहराया जाता है। तो इतने मामले हैं तो क्यों नहीं गिरफ्तारी की जा रही है? नहीं, इसमें वही साफ तक है, आपको बताए सतीश पांडे का शूटर, सतीश पांडे मतलब कि पप्पू पांडे जी का भाई, और दूसरे पन्ने में साफ तौर पे इनका नाम भी दिया गया पप्पू पांडे का। सतीश पांडे के साथ साथ हम फिर से आपके लिए पढ़ देते हैं जो स्टेटमेंट है, वर्ष 2014 में एक बार फिर सतीश पांडे अमरेंद्र पांडे वर्तमान विधायक और अजय मिश्रा के साथ उसने AK-47 से गोपालगंज प्रतिष्ठित राजनीतिक कृष्णा शाही पर हमला किया था, इसमें साफ है। तो आप बताइए कि कब तक होंगे गिरफ्तार? गिरफ्तार करना तो मेरा काम नहीं, हम तो गोपालगंज जाएंगे तो पीड़ितों से मिलेंगे, वहां तो हमको जाकर के किसी से लड़ाई झगड़ा करना है नहीं, हम लोग तो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन भाई जिसकी जिम्मेदारी है आप उस वो क्या कर रहे हैं, सवाल तो ये उठता है कहां है सुशासन का राज? मजदूर मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, गोली से मर रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, और ये सरकार के लोग सोए हुए, तो ये सवाल जायज है और इसको उठाना हमारा फर्ज है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अपराधियों का कोई जात धर्म है तो अपराध, अपराधी उनका जात धर्म है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, सब लोगों का आवाज उठाना, सभी लोगों को न्याय दिलाना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। लेकिन सरकार जो है पता नहीं कौन से प्रेम में पप्पू पांडे जी के कितने प्रिय हो गए नीतीश कुमार जी कि उनको बचाने में लगे, तो और कोई सवाल नहीं ना। तो इसमें हम चाहेंगे कि फिर से आपको बोल दें, जो वीडियो जो है, जो तिवारी जी का जो वीडियो है, जब उनको अस्पताल कौन लेकर के गया था, कहां गोली लगी थी, अब वीडियो में पीछे आवाज किसका है, उसकी जो है टेस्टिंग होनी चाहिए, वॉइस टेस्टिंग होनी चाहिए, सैंपल लेना चाहिए, और ये सारी चीजें हैं वीडियो में जो है सोशल मीडिया में वायरल है, मतलब खुलेआम अपराध हो रहा है, सब कुछ रहते हुए भी जो है कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कितनी शर्म की बात। और बोल रहे हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है, अपराध में बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार में बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें हमको लगा कि आप लोगों के समक्ष ये STF का जो रिपोर्ट है वो आप लोगों के सामने हम रखें। और ये तो साफ साफ है STF का कहना, मतलब जो शूटर है वही नाम लेकर के कह रहे हैं जो गिरफ्तार हो चुका है, तो इससे बड़ी बात हमको नहीं लगता, और इससे बड़ी कोई साक्ष्य जो है आप लोगों के सामने रखे, अब कौन से इंतजार में, पुलिस को कितना टाइम लगेगा साक्ष्य जुटाने में, साक्ष्य जुटाने में टाइम लग रहा है कि साक्ष्य को मिटाने में टाइम लग रहा है, ये साक्ष्य को जुटा रहे हैं, साक्ष्य को मिटा रहे हैं, आज तक कोई अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की गई, ये हद है, ये दिखाता है कौन सा सुशासन चल रहा है बिहार में, अपराधियों का सुशासन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DSG न्यूज के साथ, और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।